और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाजे बया। और जी सर, बहुत पुरानी हवेली है, हमारे 50-55 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ के यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। और जो भी पूरे हिंदुस्तान से आदमी आता है, बाहर मुल्क से आता है, सभी को अच्छा लगता है यहाँ पर आते जाते, क्योंकि बहुत पुरानी हवेली है, कम से कम 200 साल पुरानी हवेली है। ना होता कुछ तो खुदा होता। ऐसी कई शायरियों के वो शाहिद रहे हैं जो कि यहाँ पे इस इन पूरी दीवारों पे दर्शाई गई हैं। अच्छे से यहाँ पे इन्हें ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एक तरह से हमारी आने वाली जनरेशन और अब हमारी जनरेशन चल रही है, इसके बीच की जो इंफॉर्मेशन है वो रही है, जो कि काफ़ी बहुत बहुत अच्छी एक तरह से बेसिकली हिस्ट्री रही है। जैसे कि आगरा है, ताजमहल आगरा में, ताजमहल है दिल्ली में, और चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं दिल्ली में ऐसे। लेकिन एक इनकी एक शायर हैं, काफ़ी अच्छे जिनकी रही है शायरी, और इन्हें वर्ल्ड वाइड काफ़ी जाना जाता है। हालांकि और शायर भी रहे उस ज़माने में, लेकिन ये पुराने टाइम से चली जा रही थी। जिस और ये हवेली, इस हवेली का जो स्ट्रक्चर है वो मुग़ल के टाइप का है थोड़ा सा, तो इसके मुताबिक उस टाइम में ऐसा था कि उस टाइम में भी यूनिटी थी आपस में, लोग एक साथ मिल के रहते थे। गालिब साहब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था, लेकिन वे अपने चाचा जी के पास यहाँ दिल्ली आ गए थे। उन्हें इनकी शिक्षा, जो भी पढ़े लिखे यहीं पढ़े लिखे, और 12-13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। आज गालिब साहब के एक एक शब्द की खुशबू गुलाब के फूल की तरह महकती है हवेली के अंदर। लिखा गालिब साहब ने, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नियम कस को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कस को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। गालिब साहब ने लिखा, एक तरफा प्यार में लिखा, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, के खुशी से मर ना जाते अगर एक बार होता। अपने लिए क्या जीते हैं, ये हम तो लोगों के लिए जीते हैं। अगर आज वो हिसाब किताब हो जाए दुनिया का, अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिए, तो जो हमारा हिंदुस्तान जो है ये चमन हो जाए, जिंदगी के अंदर कोई किसी से बुराई ना करे। गजल चलती है, ये ना थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विशाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये है हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। ये गालिब साहब की एक एक शब्द की खुशबू यहाँ महकती है, आइए और हवेली को देखिए, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा समझे जैसे पुराने जमाने में, कितने जमाने में पहुँच गए हो यहाँ पे।